हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू सेवेंथ चैप्टर संकल्प है सिद्धिदायक है। ओके, टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थर्ड क्वेश्चन से देखेंगे, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखने हैं। फर्स्ट, तपे प्रभावात के सखाया जाता। तप के प्रभाव से कौन सारे मित्र हो गए थे? तो तप के प्रभाव से कौन पार्वती के मित्र हो गए थे? हिंसक जो पशु थे वो भी। तो फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा? हिंस्र पशु, हिंस्र पशु है, हिंस्र पशु है। नेक्स्ट, पार्वती तपस्या अर्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तप के लिए कहाँ पर गई थी? तो पार्वती ने तप कहाँ किया था? गौरी शिखरम, गौरी शिखरम। गौरी शिखरम। नेक्स्ट थर्ड, कह शमशाने वस्ती, कौन शमशान में रहता है? तो शिव है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिव है। फोर्थ, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रोधा जाता। शिव की निंदा को सुनकर किसको क्रोध आ गया? कौन क्रोधित हो गई? तो शिव की निंदा सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? पार्वती। नेक्स्ट फिफ्थ, वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। वटु ब्रह्मचारी वेश में तपोवन में किसने प्रवेश किया? शिव। ब्रह्मचारी के वेश में कौन आए थे? शिव। इसका आंसर हो जाएगा शिव है। ओके, फर्स्ट का आंसर हिंस्र पशु है, सेकंड गौरी शिखरम, थर्ड शिव है, फोर्थ पार्वती, एंड फिफ्थ का भी शिव है। नेक्स्ट देखो, कह का कम काम प्रति कथिति, ये सेंटेंस जो है वो किसने कहे हैं और किसके लिए कहे हैं, किसको कहे हैं? फर्स्ट देखो, डन किया हुआ है, वत्से तपः कठिनम भवति, पुत्री तप कठिन होता है, ये बात कही थी उसकी माता ने पार्वती से। नेक्स्ट, अहम तपः एवं चरिष्यामि, मैं तो तप ही करूंगी, ये बात किसने कही थी? पार्वती ने, किससे? अपनी माता से। तो इस साइड में आपको लिखना है पार्वती, और किसके लिए कही थी? मातरम, यानी अपनी माता को। नेक्स्ट, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी यानी कि धैर्यवान जो होते हैं वो अपना धैर्य नहीं त्यागते हैं, मन की इच्छा पूरी करने का जो दृढ़ निश्चय मनुष्य है वो अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं, ये बात किसने कही थी? पार्वती ने कही थी, और विजया से कही थी। पार्वती ने ये बात किसे कही थी? विजया को। तो यहाँ पर हो जाएगा विजयाम। नेक्स्ट, अपर्णा इति नामना त्वं प्रतीता। अपर्णा इस नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? अपर्णा इति नामना त्वं प्रतिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई, ये बात कौन बता रही है? विजया बता रही है पार्वती को। विजया पार्वतीम, विजया पार्वती को बता रही है कि तुम अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूं, ये बात किसने कही थी? शिव ने कही थी। शिव है पार्वतीम, ये बात शिव ने कही थी पार्वती से। नेक्स्ट, शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म साधन, धर्म को सिद्ध करने के लिए पहला साधन होता है, धर्म के लिए शरीर ही पहला साधन है, ये किसने कही थी? शिव ने कही थी पार्वती से। नेक्स्ट, अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा किया हुआ दास हो गया हूँ, तुम्हारे द्वारा प्रिय, तुम्हारा प्रिय दास हो गया हूँ, ये बात कही थी शिव ने पार्वती से। शिव है पार्वतीम, शिव ने पार्वती से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। वापस क्वेश्चन आंसर है, और इनके पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पार्वती क्रुद्धा सती किम एवदत्, पार्वती ने क्रोधित होकर क्या कहा? तो पार्वती ने क्रोधित होकर क्या कहा? पार्वती, वन मिनट,
पार्वती, ए वदत, अरे वाचाल, अरे वाचाल अप्सर, यानी कि दूर हटो अप्सर, जगती ने को अपि, जगती ने को अपि शिवस्य जगती को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। पार्वती ने क्या कहा? पार्वती एवदत, अरे वाचाल अप्सर, जगती ने को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, कि अरे वाचाल बातुनी दूर हटो, इस संसार में शिव का यथार्थ स्वरूप कोई भी नहीं जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है पाप भागम भवति, कौन पाप का भागी होता है? पाप का भागी कौन होता है? जो यह निंदाम करोती, यह निंदाम करोती, सह तू, सह तू पाप भागम भवती, पाप का भागी होता है, जो निंदा करता है वो पाप का भागी होता है। एव इसी प्रकार यह है, यह है श्रृणोती, जो सुनता है सह अपि पाप भागम भवती, सह अपि पाप भाग भवती। जो निंदा करता है सह तू पाप भाग भवती, वह तो पाप का भागी होता ही है। इसी प्रकार यह है श्रृणोती, जो सुनता है सह अपि, वह भी पाप भाग भवती, वह भी पाप का भागी होता है। नेक्स्ट, पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा व्यक्त की, पार्वती क्या करना चाहती थी? तो पार्वती क्या करना चाहती थी? तपस्याम, पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। नेक्स्ट, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर गई? पार्वती विजया सह, पार्वती विजया यानी कि विजया के साथ साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। ये पूर्ण वाक्य है, ये आपको आंसर ऐसे ही लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समानार्थक शब्द लिखने हैं शिलायाम, तो शिलायाम का क्या हो जाएगा? प्रस्तरे, शिलायाम यानी पत्थर, शिला इसको और क्या बोलेंगे? प्रस्तरे। नेक्स्ट, पश्व है जंतव है, अम्बा माता, नेत्राणी नयनानी, नेत्राणी नयनानी तुष्णिम मौनम, ये समानार्थक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदाहरणम अनुसारम पद रचनाम कुरुत, देखो वस्ति स्मै, जब लट लकार के साथ में स्मै लगा देते हैं तो वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वस्ति के साथ में वस्ति मीन्स रहता है, और वस्ति स्मै तो क्या हो जाएगा? रहता था, स्मै का मतलब होता है था। तो अब हमें एक वर्ड इनके लिए बनाना है, वस्ति स्मै, तो अवसत हो गया, सबके आगे ए लगा के और इनको सीधा भूतकाल में चेंज करना है। पश्यति स्मै, पश्यति स्मै, तो ये क्या हो जाएगा? अपश्यत। और तपति स्मै, तो अतपत, अतपत। चिंतियति स्मै, अचिंतियत, चिंतियति स्मै, अचिंतियत। वदति स्मै, अवदत, अवदत। गच्छति स्मै, अगच्छत,
एक वर्ड इनके बनाने हैं स्मै को हटा के और आगे इनके ए लग जाएगा। ए लिखत लिखती स्मै लिखत्यति स्मै ए कथ्यत। क्या हो जाएगा? ए कथयत। नयति इसमें ए नयत ए नयत। पठति इसमें ए पठत। धावती इसमें ए धावत अधावत। नेक्स्ट हस्ती इसमें ए हसत। हस्ती इसमें ए हसत। ओके ए पश्यत ए तपत ए चिंतयत ए वदत ए गच्छत ए कथयत ए नयत ए पठत ए धावत और ए हसत। ये यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। देखो फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग अपने आप करोगे। इसमें दिया हुआ है वस्ती इसमें वस्ती वस्ते इसमें वसंती इसमें। आगे आपको उसके जैसे देख के वैसे लिखना है। पूजयति इसमें पूजयते इसमें पूजयंती इसमें। रक्षति इसमें रक्षते इसमें रक्षंती इसमें। और चरती इसमें चरते हैं इसमें चरंती इसमें। ये जो है वो सारे सेम चलेंगे एक ही सीक्वेंस में। ओके सेकंड क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। और नोटबुक में आपको कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं देखो। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ और सिक्स। थर्ड से लेके सिक्स तक आपको नोटबुक में करने हैं 3 to 6। ओके स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू हैव ए नाइस डे।